जैसा आप देख सकते हैं, ये हमारा एक ग्राउंड फ्लोर पे पेशेंट्स के जो रिव्यूज हैं, ये उसकी पिक्चर्स हैं, ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ये सभी बच्चे आयुर्वेद के थ्रू कंसीव किए हैं, ये सभी बच्चे आयुर्वेद के रिजल्ट्स हैं, जो हमारे आयुर्वेद सिद्धांतों पर चलकर भगवान धन्वंतरी ने जो आयुर्वेद का हमें वरदान दिया है, ये उसके रिजल्ट के स्वरूप हमें मिले हैं। और ये वो लोग हैं, हमें बहुत खुशी होती है ये देखते हुए कि वो लोग होते हैं जिनको ऐसा बोला जाता है कि नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल नहीं है, ट्यूब ब्लॉकेज है, एंडोमेट्रियोसिस है, आईवीएफ फेल हो रहे हैं। कितने पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कई बार ऐसा बोला जाता है कि आपकी एक से प्रेगनेंसी हो नहीं सकती, और हमें बहुत गर्व है। सारी रिपोर्ट्स हम डेली बेसिस पे अपने चैनल्स पर डालते हैं, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। ऐसी ही पूरी वॉल आपको ऊपर भी मिलेगी और ऐसी ही फाइल्स जो हैं वो आपको हमारे क्लिनिक पर मिल जाएगी। सो विद प्रूफ वी आर वर्किंग कि जेन्युइनली आयुर्वेद रिजल्ट्स देता है, सक्सेसफुल देता है। और मैं आपको खासतौर पर बताना चाहूंगी, ज्यादातर पेशेंट्स की डिलीवरीज नॉर्मल होती हैं और साथ ही साथ 9 महीने तक ये लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लेना प्रेफर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कंसीविंग तक रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, हम पूरे 9 महीने पेशेंट को वो एफर्ट्स, वो सपोर्ट दे पाते हैं कि उन्हें बाद में भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो आयुर्वेद इसमें भी पूरी तरह से सक्षम है कि कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी चल रही है, हम लोग आयुर्वेद के माध्यम से उसे रिकवर कर पाते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि हमारे जो डिलीवरी पेशेंट्स हैं, कंसीविंग पेशेंट्स हैं, उसमें एबनॉर्मल चाइल्ड्स होने की की जो चांसेस हैं वो हार्डली 0.01% मिलते हैं। पिछले 12 साल में मैंने हार्डली कोई पेशेंट देखा होगा जिसको कोई एबनॉर्मल चाइल्ड हुआ हो। तो ये सब आयुर्वेद का वरदान है। ये हमारी आयुर्वेदिक फार्मेसी है और जैसा कि आप देख रहे हैं, आयुर्वेदा में हम लोग आयुर्वेदिक तरीके से ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। ज़्यादातर केसेस में हमें किसी एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल इंजेक्शंस, हॉर्मोन्स लेने के बाद भी ओव्यूलेशन नहीं होता है, ऐसी सब चीज़ों में आयुर्वेद बहुत अच्छे से कारगर है। और ये सभी मेडिसिन जो हैं वो हम लोग बहुत ऑथेंटिक उससे लेते हैं, ताकि कहीं पर भी पेशेंट्स के साथ मेडिसिन की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसलिए हमने अपनी एक इनबिल्ट इन्वेंटरी रखी है। कुछ मेडिसिन हमें केरला से मिलती हैं, कुछ मेडिसिन हमें महाराष्ट्र से मिलती हैं, कुछ मेडिसिन हम लोग सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए जो हमारा मेडिसिन का जो इंटरनल एक वो है, वो बहुत अच्छा है और इसी वजह से हम रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे दे पाते हैं। क्या नाम है आपका और किस क्लिनिक का आप काम करते हैं? मेरा नाम डॉक्टर चंचल है और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, और मैं पिछले 12 वर्षों से इनफर्टिलिटी की समस्या पर काम कर रही हूँ, और हम आयुर्वेद के माध्यम से इनफर्टिलिटी की समस्या को रिजॉल्व करने में पिछले 12 वर्षों से तत्पर हैं। बंजपंच की समस्या को ठीक करने में आयुर्वेदा कितना कारगर सिद्ध हुआ है और कितना प्रचलित? बांझपन की समस्या ऐसी समस्या है जिसे ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि ये आयुर्वेद के द्वारा संभव नहीं है इसका रिजोल्यूशन, लेकिन आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी निसंतानता या बांझपन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हमारी जो भी संहिताएं हैं उसमें इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसमें 20 प्रकार के योनि दोषास के बारे में बताया गया है। उन्हीं में इनफर्टिलिटी के वेरिएबल जो इश्यूज़ रहते हैं वो सब उसमें एक्सप्लेन्ड हैं, और उसको जब हम आयुर्वेद के सिद्धांतों पर काम करते हैं तो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। एलोपैथी से आयुर्वेदा कितना लाभदायक है और आजकल लोग आयुर्वेदा को कितना महत्व दे रहे हैं? बेसिकली आज के समय में इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि अगर वो प्रॉब्लम है आपको तो आप डायरेक्टली 1 या 2 महीना ही नेचुरली प्लान करते हैं, नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट 2 से 3 महीने करके एंड डायरेक्टली वी गो फॉर द इन्वेसिव प्रोसीजर्स, जैसे हम आईवीएफ में जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद जो है वो नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी अचीव करने में हेल्प करता है। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि अगर किसी को निसंतानता की समस्या है तो उसके जो रूट कॉजेज़ हैं, यानी हमारा जो ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु, जिसे हम एलोपैथिक साइंस में आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो है, आपका एग है, मेल स्पर्म है, फीमेल ओवम है, और वहाँ पर मेंस्ट्रुअल फ्लो जो रहता है, उस सबको अगर आप रूट कॉज पे अच्छे से बैलेंस आउट कर लेते हैं, वहाँ पे दोषास का जो समन्वय है वो बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता है, तो पेशेंट को कंसीव करने में दिक्कत नहीं आती है। इसलिए जब आयुर्वेद मूल सिद्धांतों पर काम करता है और उसके बाद आप नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी अचीव करते हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें आपने कोई हॉर्मोन्स नहीं लिए हैं, कोई इंजेक्शन लिए, आपकी बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है। इनफैक्ट नेचुरल तरीके से आप बॉडी को और बेहतर कर पाते हैं, तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूवाइज होती है और आपकी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाती है। आयुर्वेदा से लोगों की कितनी समस्याएं दूर हुई हैं और आयुर्वेदा कितना लाभदायक साबित हुआ?
जैसे इनफर्टिलिटी में एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में, जो 10 में से 6 महिलाओं में देखने के लिए मिलती है, जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज कहते हैं. ट्यूबल ब्लॉकेज के जितने भी इश्यूज हैं आयुर्वेद में, जो हम थेरेपीज करते हैं, जो आयुर्वेद की चिकित्सा में बताया गया पंचकर्म के प्रोसीजर, उसमें ऑलमोस्ट 80-90% केसेज में ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या रिजॉल्व हो जाती है. जबकि अगर यही पेशेंट्स एलोपैथिक साइंस में जाते हैं तो 20-30% लैप्रोस्कोपी की सक्सेस है, और अगर नहीं होता तो नेक्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्टली IVF. जबकि आयुर्वेद से आप इसको इतने ज़्यादा लेवल पर, इस स्तर पर आप उसको रिकवर कर पाते हो कि पेशेंट 80% ये नेचुरली कंसीव करने के लिए कैपेबल हो जाता है. इसी तरह से और भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे बहुत थोड़ा सा इमेज कम अगर होता है तो पेशेंट को डोनर एग के लिए बोलते हैं. जैसे किसी और महिला के अंडे लेकर आप अपने हस्बैंड के स्पर्म से मिलवा के IVF यानी कि इनविट्रो इंसेमिनेशन, आप इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन करवाते हैं. लेकिन आयुर्वेद में लो इमेज के पेशेंट्स भी एग की क्वालिटी को एनहेंस करके नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं. ये ऐसी चीजें हैं जिनका कोई रिजोल्यूशन, कोई आपको ऑल्टरनेटिव एलोपैथिक साइंस में नहीं मिलता, बट आयुर्वेद उसी चीज को रिकवर करके आपको ट्रीटमेंट दे पाती है. अभी तक आपके कितने मरीज ऐसे हैं जिनके घरों में आप खुशियां दे चुके हैं? मैं अगर कैलकुलेशन बोलूं तो लास्ट ईयर यानी कि 2022 में आशा आयुर्वेदा के ऑलमोस्ट 800 जो बेबीज़ हैं वो डिलीवर हुए हैं, और उनका अपडेट्स हम डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे फेसबुक पेजेस पर डेली डालते हैं. और ऑन एन एवरेज ये एक बहुत अच्छा वो है, रिजल्ट है जो हम मानते हैं, क्योंकि इतने पेशेंट्स अगर डिलीवर कर रहे हैं नेचुरल तरीके से, जिनको मना कर दिया गया था कि आप कंसीव नहीं कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, आपको एडवांस आर्टिफिशियल टेक्निक्स ही यूज़ करनी पड़ेंगी, दैट्स अ वेरी गुड प्रोटोकॉल. और अभी ये इसलिए फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लगता है, क्योंकि लोगों डायरेक्टली आयुर्वेद की तरफ नहीं आते हैं, वो बहुत सारे प्रोसीजर्स करा के, बहुत सारी सर्जरीज करा के, लैप्रोस्कोपी सब करने के बाद आयुर्वेद की तरफ रुख अपनाते हैं. तो अगर हम डायरेक्टली आयुर्वेद को अपनी पहली पद्धति मानेंगे, अपना पहला उपचार का जो एक वो है, पहला उपचार अगर हम आयुर्वेद को अपनाएंगे, तो उस सिचुएशन में ये रिजल्ट्स और बेहतर होते हैं. क्योंकि जो पेशेंट्स डायरेक्ट आयुर्वेद में आते हैं उन्हें रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं. जिनकी बॉडी से बहुत खिलवाड़ हो चुका होता है, बहुत हॉर्मोन्स और सब लिए जाते हैं, उनको टाइम डेफिनेटली ज़्यादा लग जाता है. यूपी के मन की बात मुरादाबाद कार्यक्रम आयोजित होना है, उसमें आपका क्या कहना है? ये एक बहुत अच्छी पहल है, और इससे लोगों को अपने आप तक पहुंचने में और अपनी बात को आगे रखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, और इस पहल के लिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा अभिनंदन देती हूँ, और आई होप कि वो बहुत ही अच्छी सक्सेस अचीव करें.